नमस्कार दोस्तों, मैं विकास धवन आपका स्वागत करता हूं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो के द्वारा हम हाल में होने वाले मॉनसून सेशन के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम इन पॉइंट्स पे जानकारी लेंगे, जिसमें कि पहले देखेंगे हम अलग अलग जो सत्र होते हैं एक वर्ष में उनके बारे में जानकारी, फिर उनसे जुड़ी कुछ की टर्म्स, फिर जो इम्पोर्टेंट बिल्स जो हुए वो जो इंट्रोड्यूस होने हैं इस सेशन में उसके बारे में जानकारी, उनके बारे में कुछ एक थोड़ा सा ब्रीफ। तो हम अगर देखें तो एक वर्ष में तीन सेशंस होते हैं। पहला बजट सेशन फ्रॉम फेब टू मई, ये करीब 4 महीने का सेशन है और ये लॉन्गेस्ट सेशन है और इसी में बजट का जो है फॉर्मुलेशन भी होता है। नेक्स्ट इज मॉनसून सेशन विच इज फ्रॉम जुलाई टू सेप्टेम्बर, देन इज विंटर सेशन फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। और तो ये जो तीनों सेशंस होते हैं इनका एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और ये इसी टाइम पीरियड पे होते हैं। नेक्स्ट इज दैट आर्टिकल 85 है, उसके तहत हमें सेशंस ऑफ द पार्लियामेंट के बारे में जानकारी मिलती है। उसमें ये कहा गया है कि जो प्रेसिडेंट हैं वो समन करते हैं यानी बुलाते हैं ऑफ मीटिंग ऑफ द टू हाउसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और इसमें भी एक और प्रोविजन ये भी है, ये आर्टिकल 85 के पार्ट वन के तहत प्रोविजंस हैं। सेकंड इसमें ये भी बोलते हैं कि जो फर्स्ट सिटिंग होगी किसी सेशन की और जो लास्ट सिटिंग होगी इससे पहले हुए सेशन की, इसकी लास्ट सेशन की फर्स्ट सिटिंग, लास्ट सेशन की लास्ट सिटिंग और इसकी फर्स्ट सिटिंग, इन दोनों के बीच में जो टाइम पीरियड होगा वो मैक्सिमम 6 मंथ का होना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं कुछ सेशन से रिलेटेड कुछ की टर्म्स। पहला सेशंस खुद क्या है, ये टाइम पीरियड है बिटवीन फर्स्ट सिटिंग ऑफ द हाउस एंड द प्रोरोगेशन, यानी फर्स्ट सिटिंग से लेकर जब तक प्रोरोगेट यानी जब तक बिजनेस जो है कंप्लीट हो चुका होगा उस पूरे पीरियड को हम बोलते हैं सेशन। और इसमें एक एक सेशन में काफी सारी मीटिंग्स होती हैं। अगर एक मीटिंग को देखें यानी एक दिन को देखें तो उसमें दो सिटिंग्स होती हैं हाउस की, इसमें कि पहली होती है 11 to 1 PM और सेकंड सिटिंग जो होगी वो 2 PM to 6 PM। तो नेक्स्ट है समनिंग। समनिंग जैसे पहले बताया कि वो करते कौन है, प्रेसिडेंट, और इसमें मैक्सिमम गैप 6 मंथ्स यानी एक साल में दो मिनिमम दो बार समन प्रेसिडेंट करते हैं हाउसेस का। फिर आगे हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई सेशन चल रहा है उसका टर्मिनेशन कैसे होगा। टर्मिनेशन के तीन प्रोसेस हैं। पहला एडजॉर्नमेंट, ये कौन करता है, इसको स्पीकर करते हैं। इसमें क्या होता है कि ही सस्पेंड्स द वर्क फॉर ए स्पेसिफाइड टाइम, मतलब कुछ घंटे, कुछ दिन या कुछ हफ्ते के लिए स्पेसिफाइड टाइम होता है, उसके बेसिस पे टर्मिनेशन होता है। सेकेंड इज एडजॉर्नमेंट साइने डाई, यानी टर्मिनेशन फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड। जैसे यहां देखा तो कुछ स्पेसिफाइड टाइम था, यहाँ इनडेफिनेट पीरियड के लिए ये टर्मिनेट हो जाता है और इसे भी स्पीकर करते हैं। तो देखिए एडजॉर्नमेंट और एडजॉर्नमेंट साइने डाई ये दोनों स्पीकर करते हैं। और फिर है प्रोरोगेशन जो कि प्रेजिडेंट करते हैं, यानी समनिंग एंड द प्रोरोगेशन जो है प्रोरोगेटिंग पावर वो प्रेजिडेंट के पास है और एडजॉर्नमेंट एंड एडजॉर्नमेंट सैनिडाई इज विद स्पीकर। प्रोरोगेशन में भी हम देखा था कि जब बिजनेस कंप्लीट हो जाए तो प्रेसिडेंट ये बुलाते हैं कि दैट द सेशन इज प्रोरोगूड, मींस द बिजनेस ऑफ ए सेशन इज कंप्लीटेड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम देखेंगे कुछ इस सत्र के दौरान, मॉनसून सेशन के दौरान कुछ डिस्कस होने वाले इंपॉर्टेंट बिल्स। पहला हम देखते हैं जीएसटी रिलेटेड बिल्स। इसमें दो बिल्स हैं, सीजीएसटी एंड आईजीएसटी एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर बिल 2017, और सेकंड है पंजाब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन लॉ अमेंडमेंट बिल 2017। तो अगर हम देखें तो जेएनके स्टेट के पास खुद की टैक्सेशन पावर्स है और ये टैक्स लगाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। और अगर हम देखें तो सर्विस टैक्स था जो 1994 से लागू हुआ, वो भी उससे भी एग्जेम्पशन मिली थी टू जम्मू एंड कश्मीर बिकॉज इट हैड इट्स ओन टैक्सेशन पावर्स। लेकिन जो जीएसटी बिल आया 101 अमेंडमेंट बिल, इसमें ये प्रोविजन रखी है, अभी तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर अगर लेकिन चाहे स्टेट गवर्नमेंट तो
तो वो इसको एप्लीकेबल करा सकती है। और इसके लिए क्या है, अभी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी मंजूरी दे दी है, तो जीएसटी में इसी के अंदर संशोधन करके, यानी इसमें ही अमेंडमेंट करके हम इसको एक्सटेंड कर देंगे जम्मू एंड कश्मीर के लिए भी। और इसके इसी के लिए अभी दो बिल्स आए हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी एंड इंटीग्रेटेड जीएसटी एक्सटेंशन टू जम्मू एंड कश्मीर बिल 2017। अब नेक्स्ट देखें तो पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, इसमें यह है कि जो म्यूनसिपल पावर्स की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जो पावर्स हैं वो पंजाब चंडीगढ़ में वो ड्राइव होती हैं पंजाब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लॉ। और यहाँ पर क्या था कि अगर हम पहले देखें तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ही लगाती है टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स और एंटरटेनमेंट ड्यूटी, लेकिन अभी जो था डिमांड बड़ी म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन थी चंडीगढ़ की, वहां से डिमांड ये आई थी कि जो ये टैक्सेशन पावर है ये चंडीगढ़ की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ही मिल गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ चंडीगढ़ को ही मिल जाए। तो इसी के लिए ये अमेंडमेंट आ रही है, और ये एम्पावर क्या करेगी वही कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है चंडीगढ़ की वो टैक्स लगा सके फॉर एंटरटेनमेंट एंड अम्यूजमेंट इन लाइट ऑफ द जीएसटी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2017। तो आज हम एक फिगर देखें एनपीएस की यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की, तो ये बैंकिंग सेक्टर में इसकी है फिगर 9.64 ट्रिलियन, यानी पूरा जो है इसने चोक किया है बैंकिंग सिस्टम को, इतना एनपीएस है हमारे। तो इसी के लिए एक संशोधन लाया जा रहा है, अमेंडमेंट लाई जा रही है टू इनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू एम्पावर द आरबीआई, ताकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को एम्पावर कर दे फॉर सेटिंग ऑफ द बैड लोन केसेस। इसके लिए सेक्शन जो 35 है ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इसमें अमेंडमेंट होगी, इससे कि आरबीआई के पास ये पावर आ जाएगी कि दे कैन गिव डायरेक्शन फॉर सेटिंग ऑफ द बैड लोन्स। तो अगर हम देखें तो इसके इससे होगा क्या कि आरबीआई जो है वो डायरेक्टली स्टेप इन कर जाएगी, स्टेप खुद से ही उसमें घुस जाएगी फॉर रेजोल्यूशन, अगर जो बैंक्स हैं खुद से उसका रेजोल्यूशन नहीं ना ले पाए। जैसे कि अभी हमारे पास है काफी है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, फिर है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, फिर है सारफेसी एक्ट, लेकिन इससे देखें तो हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है। इसी के लिए अमेंडमेंट ला रहे हैं कि आरबीआई खुद ही इंटरवीन करे अगर वो उसका कुछ निदान नहीं मिल रहा है। सेकंड ये है इसमें इस अमेंडमेंट के थ्रू ये भी होगा कि जो दंड देने की जो पावर्स हैं वो भी मिल जाएंगे आरबीआई को। फिर लेकिन इससे कुछ देखिए नेगेटिविटी नेगेटिव कुछ पॉइंट्स हैं, उससे ये है कि एक तो उससे लायबिलिटी बढ़ जाती है सेंट्रल बैंक की, और सेकंड ये है कि इससे ये भी दार्शिक होता है कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इनएफिशिएंट हैं, और ये इसी को लाइमलाइट भी कर रहा है। तो ये है, ये नेगेटिवली भी इसको एक तरह से पोट्रे कर रहा है। तो चलिए अपने नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बिल की तरफ मूव करते हैं, दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ये कि ये 2000 जुलाई 2016 में भी आ चुका था मॉनसून सेशन के दौरान। इसकी हाईलाइट ये थी कि ये अलाउ करता है इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम द कम्युनिटीज, सिक्स कम्युनिटीज, हिंदू, सिक्स बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, और वो भी तीन कंट्रीज से आए हुए क्रिश्चियन सॉरी अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इनको एलिजिबल करता है फॉर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। इसकी एक्चुअली सिटीजनशिप की देखें तो दो रिक्वायरमेंट हैं कि पहला तो आप जिस दिन सिटीजनशिप चाहिए उससे 12 महीने पहले इंडिया में होने चाहिए, प्लस आप 11 ईयर्स इंडिया में हो, अगर आप 14 ईयर्स इंडिया में रहे हैं उसमें आप 11 साल इंडिया में होने चाहिए तो भी आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब इसी को रिलैक्स कर दिया है, एक तो इलीगल माइग्रेंट्स को भी अलाउ कर दिया गया है, सेकेंड ये है कि रिलैक्स कर दिया है इस टर्म को फ्रॉम 11 ईयर्स टू 6 ईयर्स। इसका कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ, पहले कि कहा गया कि ये कॉम्युनली मोटिवेटेड था, और सेकंड ये कहा गया कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 यानी राइट टू इक्वालिटी को। देखा जाए तो नॉन जो माइनॉरिटीज थी जो सॉरी जो माइनॉरिटीज थी यानी ज्यूज, मुस्लिम्स, भाइया फेद, जो कि खुद वो भी इलीगल माइग्रेंट्स हैं इंडिया में हैं, उनके लिए ये प्रोविजन नहीं रखी गई है।
फिर ये भी कहा गया कि जो जो लोग जो सिटीजन मांग रहे हैं ये रिफ्यूजीज हैं, माइग्रेंट्स नहीं। तो चलिए अगला हम देखते हैं, मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट बिल। ये क्या करेगा, अमेंडमेंट लाएगा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में। इस अमेंडमेंट की ये खासियत है कि ये भी कहा गया है कि ये पैराडाइम शिफ्ट लाएगा इन रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रोड सेफ्टी एंड रोड सेफ्टी। ये एक्चुअली क्या है, ये लोकसभा में पहले ही पास हो चुका है, अभी राज्यसभा में पेंडिंग है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कि ये प्रोवाइड करेगा नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक एनटीपी नेशनल ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी लाएगी फॉर ए गिविंग ए फ्रेमवर्क एंड टू आइडेंटिफाई द प्रायोरिटीज टू क्रिएट ए बेटर रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सेकेंड इज रिकॉल ऑफ व्हीकल्स डिफेक्टेड, या वो व्हीकल जो एनवायरमेंट को हार्म करें उनका रिकॉल भी हो पाएगा। थर्ड इज कंपल्सरी इंश्योरेंस। इसमें क्या होगा कि एक इंश्योरेंस तो कंपलसरी कर दिया है, प्लस एक फंड बनाया है जिसको बोला गया है मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड, जिसके तहत सेस या ग्रांट दोनों के सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, सेस या ग्रांट इस फंड में देगी, और इसके लिए एक जो इंश्योरेंस है वो कंपलसरी कर दिया है। फिर है केयर फॉर रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स, यानी इनको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगी इन हॉस्पिटल्स जो रोड विक्टिम्स हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स मार्टियंस, इनके अगेंस्ट नो क्रिमिनल एंड सिविल एक्शन अगेंस्ट दोज हु आर हेल्पिंग दी रोड विक्टिम्स। थर्ड इज ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज, इनका इंक्रीज कर दिया है। अब इसमें क्या हुआ है कि दो अल्कोहल अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल जो ड्राइव कर रहे थे उनकी पेनल्टी बढ़ा के 2,000 से 10,000 कर दी है, 10,000 रुपीज। फिर इट हैज ऑल्सो रिकग्नाइज ऑफेंसेज कमिटेड बाई जुवेनाइल्स, और इसमें क्या किया है कि वो इसके लिए लाइबिलिटी किसको बना दिया है, द ओनर एंड द गार्डियन। ओनर ऑफ द व्हीकल या गार्डियन जो होगा वो लाइबल है अगर कोई जुवेनाइल जो है वो ऑफेंस किया, मतलब वो एक्सीडेंट क्रिएट कर रहता है। फिर आगे हम देखें तो पहले हम पहले हमारे एक्ट के जो पहले एमवीए एक्ट 1988 है, वहां पर जो थर्ड पार्टी पार्टी इंश्योरर था उसकी जो लिमिट थी वो अनलिमिटेड थी। अब क्या कर दिया, कैप कर दिया है टू 10 लाख इन केस ऑफ डेथ एंड 5 लाख अगर प्रीवियस इंजरी होती है। तो जैसे हम देखते हैं ऊबर ये ओला सब ये टैक्सी एग्रीगेटर्स ये काफी आजकल आज की तादाद में काफी बढ़ रहे हैं, तो इसको लिए इन्होंने बिल ने ही खुद से टैक्सी एग्रीगेटर्स को है इसको डिफाइन कर दिया है। और ये क्या क्या होगा, इससे दीज विल हेल्प अस टू मेक बेटर गाइडलाइंस। और फिर एक इम्पॉर्टेंट ये प्रोविजन है कि इसमें जो आधार कार्ड से लाइसेंस को लिंक कर दिया जा लिंक करने की कोशिश कराएंगे, जिसके तहत ऑनलाइन लाइसेंस जो होगा वो भी मिल जाएगा। तो मतलब एक तरह समझें तो इस टोटल जो बिल है इससे हमारी जो गवर्नेंस सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सिस्टम का और जो ट्रांसपेरेंसी है जो ये अगर हम देखें इसके तहत या अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी, ये इनके तहत अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इसलिए इसको बोला गया है कि इट इज ब्रिंगिंग ए पैराडाइम शिफ्ट। तो अब हम देखते हैं अपने लास्ट इंपॉर्टेंट बिल की तरफ मुड़ते हैं, दैट इज द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन अमेंडमेंट बिल 2013। ये पीसीए एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, इसमें अमेंडमेंट लाएगा। और ये इंट्रोड्यूस पहले ही हो चुका है 2013 में राज्यसभा में, और जब अन्ना कैंपेन की जो मूवमेंट चल रही थी, मासिव एंटी करप्शन जो क्रुसेड था, प्रोटेस्ट थी, उसके बाद ये बिल लाया था। इट वॉन्टेड टू रिमूव सेक्शन 13(1)(d) ऑफ द 1988 एक्ट। सेक्शन 13(1)(d) क्या है, इट सेज दैट इनडायरेक्ट फॉर्म्स ऑफ करप्शन इनको भी कवर करता है सेक्शन 31(d)। अब इसको रिमूव करके हम इसको रिमूव कर देंगे ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स या मॉनेटरी बेनिफिट्स, उसी के टर्म्स में करप्शन को डिफाइन किया जाएगा इस एक्ट के थ्रू। देन इज शिफ्टिंग द गिल्ट फ्रॉम द अक्यूज टू प्रोसिक्यूटर। यहां पर क्या होगा कि जो गिल्ट जो पहले अपने जो अक्यूज था उसे ये प्रूव करना होता था कि डेट ही इज नॉट गिल्टी, नाउ दिस विल बी शिफ्टेड टू द प्रोसिक्यूटर डेट ही हैज टू प्रूव डेट द पर्सन ही इज पुटिंग चार्जेस अगेंस्ट इज ए
गिल्टी, अब ये प्रोसिक्यूटर पे आ चुका है। थर्ड इज कि ये करप्शन जो है इसको हेनियस क्राइम बोल दिया है, यानी ये वो कोई एक्टिविटी या क्राइम जिसकी सजा 7 साल से ऊपर हो उसको बोलते हैं हेनियस क्राइम। तो करप्शन में भी ऐसी प्रोविजन डाल दी है कि इट विल बी नाउ ए हेनियस क्राइम। तो अब साथ में नेक्स्ट देखें तो ब्राइब टेकर और ब्राइब गिवर, पहले क्या था ब्राइब गिवर को एग्जेम्पशन मिली थी, नाउ ही इज ऑल्सो इक्वली पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। फिर इंसर्ट किया है सेक्शन, नया सेक्शन लाया 17A डेट विल बार इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज फॉर इंक्वायरी विदाउट अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, कि उनको अगर इन्वेस्टिगेशन करनी है, अगर मान लीजिए कोई जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का जो कोई है उसके लिए अप्रूवल लेना पड़ेगा फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अब इस बिल से हमें क्या फायदे होंगे? फर्स्ट इज कर्ब, इट विल कर्ब द पॉलिसी पैरालिसिस। हम देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग जो है यहाँ पर एक तरह से एक बॉटल नेक या ब्लॉक आ गया था, वो किसकी वजह से? ये जैसे इनकी वजह से कि यहाँ पर करप्शन, हर किसी को करप्शन में फंसा दिया जा रहा था, वो अक्यूज पे ही गिल्टी, खुद को उसको अपने आप को प्रूफ करना होता था वो गिल्टी नहीं है, तो एक पॉलिसी पैरालिसिस था, डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रही थी, बॉटल नेक आया हुआ था, इसको यहाँ से निजात पाने की कोशिश होगी। फिर क्या होगा कि यहाँ पर जो इम्यूनिटी मिलेगी वो जो थी ब्राइब गिवर्स को जो दी हुई थी इम्यूनिटी, हमने वो भी छीन ली, अब दे आर ऑल्सो इक्वली पनिशेबल। और फिर क्या होगा कि जो लास्ट इज कि ये प्रिवेंट करेगा जो हम एक फालतू से जो लॉ सूट्स होते थे अगेंस्ट इनोसेंट ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट, जिसकी वजह से ये पॉलिसी पैरालिसिस या डिसीजन मेकिंग में अपना वो रोल नहीं अच्छे से प्ले कर पाते थे, वो भी यहाँ से इस आर्ट के थ्रू हटाने का एक तरह से एक रास्ता ढूंढा है। तो चलिए मैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है यहाँ अपनी समाप्त करता हूँ। थैंक यू।